एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नोएडा के अंदर आज राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र यहाँ पर जो बहन जी ने अपने शासन काल में बनवाया था, और इस आज जो यहाँ बहुत तादाद के अंदर आप जो जनता देख रहे हैं, पब्लिक देख रहे हैं, और मैं एक बार अनुरोध करूँगा कि एक बार बस पर मारे हैं, लगातार बसें आ रही हैं और बसों पर जो झंडे लगा रखे हैं वो हाथी का झंडा है और BSP का जो झंडा लगा रखा है, और यहाँ बहुत तादाद के अंदर पब्लिक आ रही है। और आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, और उस उपलक्ष्य के अंदर आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग आ रहे हैं, और भारतवर्ष से ही नहीं, आज जो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारत ही नहीं विदेशों के अंदर भी बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और अब हम चलते हैं गेट के पास में जो बाबा साहब का जो लिटरेचर है, जो बाबा साहब का जो इतिहास है, वो सब ये आप देख रहे हैं कि ये पोस्टर हैं बाबा साहब का। एक मैं पेन उठा के दिखाऊंगा तो देखो इस पर भी बाबा साहब का ये फोटो लगा हुआ है, और ये जो भगवान गौतम बुद्ध और स्टेचू वगैरह ये सारे ही बाबा साहब का, जहाँ भी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है ये बाबा साहब का इतिहास वहाँ मिलता है। और ये आप ये देख रहे हैं कि ये बाबा साहब का एक कितना अच्छा फ़ोटो है, 12 रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, MA MSc PhD DSc DLIT LLD और वार एट ला की जो डिग्रियाँ हैं और बाबा साहब के दर्शा रही हैं। और ये पोस्टर इसलिए होते हैं कि लोगों को बताया जाए, जो नई युवा पीढ़ी को बताया जाए कि बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए जो कार्य किए उनको आगे बरकरार रखना है। तो आज बाबा साहब का 62वां महापरिनिर्वाण दिवस है, और इसको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग बहुत तादाद के अंदर आ रहे हैं। और अब मैं आगे चलता हूँ, देखो ये जो बाबा साहब की अच्छी अच्छी स्टेचू हैं, और एक जो मैं ये बुक उठा रहा हूँ ये बाबा साहब का संविधान है, हाँ वही जिससे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, आज जो दलित पीड़ित शोषित वंचित लोगों को बाबा साहब ने न्याय दिलाया, वो इसी माध्यम से, इसी कलम से, इसी संविधान के द्वारा बाबा साहब को न्याय दिलाया था। और ये देखो कितना अच्छी बुक है, और इतना अच्छा लिटरेचर है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि देखो ये भगवान गौतम बुद्ध की स्टेचू फोटो वगैरह सारे हैं, और यहाँ पर ये देखो लड़ियाँ भी हैं, और आगे ये सब ये बेक रहे हैं। अब ये देखो एक ये छल्ला मैं उठा के दिखाऊंगा कि इस पर भी जय भीम का ये लिखा हुआ है, और ये पचरंग भी है, और बाबा साहब की किताबें बहुत तादाद के अंदर हैं, और ये सारे लोग बेच रहे हैं। और क्या करोगे? क्या ये मैडम आप बेच रहे हैं ये? ये आप ये बाबा साहब की किताबें और बाबा साहब का ये जो लिटरेचर बेच रहे हैं, तो आप इसी को क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इसी में लगता है कि विकास है। 6 दिसंबर है, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, और लोगों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए कि बाबा साहब ने क्या लिखा। ये वही किताबें हैं जो बाबा साहब ने लिखी हैं, बाबा साहब के ऊपर लिखी गई हैं। लोगों को जानना चाहिए कि बाबा साहब क्या थे, उनका मिशन क्या था, इसीलिए हम ये बेच रहे हैं, हम साहित्य प्रचार कर रहे हैं। आपका नाम? सुजाता गौतम। हाँ जी, सुजाता गौतम जी, आपने सारी बाबा साहब का ही लिटरेचर रखा है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक मंदिर होता, मंदिरों में सभी तरीके की मूर्तियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ बाबा साहब का ही इतिहास है। क्या कहेंगे? सभी तरह की मूर्तियाँ सभी जगह होती हैं, ये बहुत खास जगह है, खास लोग आते हैं यहाँ पे, इसलिए खास सामान रखा है हमने जो कि बाबा साहब से रिलेटेड है। वो खास लोग कौन हैं? खास लोग कौन है? सभी लोग खास हैं, बाबा साहब किसी एक जाति समाज के नहीं थे, तो ये बाबा ये जो बना है सभी लोग आते हैं यहाँ पे। अभी एक गौतम ने बताया कि जो ये खास इतिहास है, बाबा साहब ने इन्हीं के माध्यम से लोगों को जगाने की कोशिश की, महिलाओं को जो अधिकार दिए वो बहुत इसीलिए अधिकार दिए कि जगो और पढ़ो और अपना उद्धार करो, इन सब चीज़ों को लेके आज हम जो अब अंदर प्रवेश करेंगे कि आज जो प्रेरणा स्थल है जो बहन जी ने अपने शासन काल के अंदर बनाया था, और इसके अंदर हम चलते हैं कि इसके अंदर और क्या खासियत है और क्या देखने के लिए मिलेगा हमें। और हमारी
Thank you.